गाइस, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग। सो मेरे भाई, मेरे दोस्त यशकांत भाई ने एप्पल का मैकबुक एयर लिया है और उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और वो आपको एक एक चीज बताएंगे, ठीक है? सो गाइस, अभी चलते हैं यशकांत के पास और यशकांत आपको बताएंगे कितने का आपको उनको पड़ा मैकबुक एयर जो है एप्पल की, और क्या बेनिफिट हैं और क्या फीचर्स हैं और क्या कनाडा में हमें लैपटॉप लेना चाहिए या इंडिया में लेना चाहिए। इसके पहले अभी ने लिया था जो लैपटॉप, वो है एचपी का, बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीलॉग तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए यशकांत के पास चलते हैं। यशकांत कह रहे हैं कि वो थोड़ा शर्माते हैं, तो फिर उनकी जगह मैं ही अनबॉक्सिंग कर देता हूँ एप्पल की मैकबुक एयर। इसकी कॉस्ट मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो हम जूम इन करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, आपको एक इतना सा कवर लिफाफा ही बड़ा, ये है मैकबुक एयर, आप ध्यान से देख सकते हो एप्पल का। तो मैकबुक एयर, मैकबुक जैसे लैपटॉप होता है तो वैसे ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये है मैकबुक और इस ये इन्हें पड़ा $1,450 का, पर इसके इंश्योरेंस है 3 साल की। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो रिप्लेस कर देते हैं एप्पल वाले, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो रिप्लेस हो जाएगा। सबसे पहले इसके टेक्सचर की बात करते हैं, ये बहुत ही स्लिम है, ठीक है। मैकबुक वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने और हाई एडिटिंग करना होता है। आपने हालांकि फ्लाइंग बीच बहुत लोगों को देखा होगा, वो मैकबुक में काम करते हैं। ये बहुत ही स्लिम होता है और बहुत ही पोर्टेबल होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ आपको मिल जाती है डाटा केबल इन द सेंस चार्जिंग केबल मिल जाती है। अकेली इंडिया में 12,000 रुपीज़ की है, सोच सकते हो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मैकबुक एयर $1,450 की आपको लेनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये आपको एक चीज़ मिलती है, इसमें सारे फीचर्स बताए होते हैं कि क्विक स्टार्ट गाइड होता है, तो इसमें सारे फीचर्स आपको बताए जाएंगे। और ये आपको बहुत ही अच्छी पैकिंग आती है, इसकी पैकिंग आप देख सकते हो ऊपर, इसमें पूरी फिनिशिंग दी है ताकि कोई कमी पेशी ना रहे, क्योंकि मैकबुक एयर जो है इसकी प्राइसिंग जो है $1,450 है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ये चार्जर मिल गया, और ये जो चार्जर होता है और ये मतलब थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाता है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसकी 8 GB रैम है और 128 GB तक है इसका जो हार्ड डिस्क है, ठीक है। HDD, एक होता है SSD, एक होता है HDD। HDD ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डैट। तो इसका जो बॉक्स है बहुत ही सुंदर है, और आपको ये कनाडा में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरी YouTube वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर इंडिया में लेना है आप इंडिया में ले सकते हो, बट मेरा ये सजेशन रहेगी अगर आपको कनाडा में लेनी है तो आप कनाडा में आके ले सकते हो, और आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल सकता है आपको, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड, आपको $1,000 की लिमिट का मिलेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।